हाय नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आ गया हूँ मैं फिर से ओला स्कूटर के नए नए ढेर सारे अपडेट्स लेके। एंड लास्ट तक वीडियो को देखिएगा यार, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसी अपडेट्स मिलती रहें। बहुत मेहनत लगती है यार इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके आपको अपडेट करने में। सबसे पहली खबर ये है कि अगर आपके पास ओला स्कूटर में सॉफ्टवेयर वर्ज़न 1.16 का अपडेट आ रहा है तो आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आपका 1.0.8 सॉफ्टवेयर है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड और आपको कोई इशू नहीं आ रहा है तो आप जो है बिल्कुल भी 1.0.16 पे जो है वो स्विच ना करें। और मैं आपको बता दूं, आपका जिस भी सॉफ्टवेयर अगर 16 पे भी है, 1.0.16 पे भी है और आपको जो है प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो चलने दीजिए। अंटिल अप्रैल में इनका 2.0 मूव ओएस आने वाला है, तब तक थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए क्योंकि इनका ओएस जो है, जो भी आपके पास स्टेबल चल रहा है, स्टेबल तो कोई ओएस इनका है नहीं फिलहाल, लेकिन जो भी आपके पास चल रहा है उससे अगर आपका स्कूटर इशू क्रिएट नहीं कर रहा है और वो अच्छे से वर्क कर रहा है तो आपको जो है अभी रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1.0.16 में भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और वो दिक्कत क्रिएट कर रही हैं डे टू डे लाइफ में। नेक्स्ट अपडेट है, जैसा मेरा कस्टमर केयर पे बात हुई, मेरा कलर ग्लिच एप्लीकेशन की वजह से कलर ग्लिच ऑप्शन जो है वो सही नहीं हुआ है, वो स्टिल अंडर प्रोसेसिंग है तो उसका कोई रिपोर्ट ओला नहीं दे रहा है। ओला 10, 17, 18 तारीख को पेमेंट की थी मैंने और 10, 12 दिन हो चुके हैं, ओला का हर काम ही बहुत स्लो है। अपडेट अब जो है वो डिलीवरी और इसके अलावा आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके है, तो जिनके भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुए हैं वो इस वीक जो है वो हो जाएंगे। और इसी वीक जो जिन्होंने भी 17 और 18 तारीख को परचेज़ किया है उनकी, जिनकी अप्रैल 30 को डिस्पैच डेट शो हो रही है, उन सभी के इस वीक यानी संडे तक, शनिवार एंड तक या संडे तक जो है आप लोगों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट एनी कॉस्ट जो है वो ओला कंप्लीट कर देगा। फास्टर डिलीवरीज होने वाली हैं इनकी क्योंकि इन्हें भी बड़ी टेंशन हो गई है, एक तो ओला में आग लग गई थी इसके रिगार्डिंग। तो जिनके भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके हैं उनके जो है हो सकता है इंश्योरेंसेस जनरेट होने लग जाएंगे, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि आपका स्कूटर डिस्पैच हो के पहले आपके डिस्ट्रिक्ट सेंटर पे पहुंचेगा, उसके बाद आपका इंश्योरेंस जनरेट होगा, तो प्रोसेस में थोड़ा सा चेंज है। ये चीज़ मैंने दोबारा से आज कस्टमर केयर पर कन्फर्म की है, उन्होंने बोला है हाँ जी सर, आपका स्कूटर डिस्पैच होने के बाद जब आपके नियरेस्ट एसडीसी हब में पहुंच जाएगा तब वहाँ आपका, तभी उस टाइम आपका जो है इंश्योरेंस जनरेट हो जाएगा। तो मोस्टली अब चांसेस हैं नेक्स्ट वीक से, देखते हैं 17, 18 मार्च को जिसने भी पेमेंट्स करी थी और उनका स्कूटर का डिस्पैच 30 अप्रैल दिखा रहा है, उनके स्कूटर्स जो है वो उनको डिस्पैच होते ही इंश्योरेंसेस मिल जाएंगे या फिर इंश्योरेंसेस नेक्स्ट वीक में आपको रिलीज़ करने चालू कर देगा ओला। तो शुक्रिया दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करें और हमारी मेहनत को लाइक करके अप्रिशिएट करें। धन्यवाद।